अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग जी लाइफस्टाइल। हेयर लाइन ब्रॉड हो गई है, बाल बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे, या बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं और इसके साथ बाल हल्के भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट और प्रमोट करने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हेयर ग्रोथ टॉनिक या वाटर, जो आप बालों पर रेगुलर यूज़ करेंगे तो 6 वीक्स में आपको विजिबल रिजल्ट्स फील होंगे और बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं हेयर वाटर या हेयर टॉनिक फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। सबसे पहले आपको सॉफ्ट वाटर ले लेना है, तो मैं यहाँ पे 3 कप सॉफ्ट वाटर के ले रही हूँ और आपने इसको बॉयल होने रख देना है। जब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी, पानी हमारा गर्म हो जाएगा। पहला इंग्रेडिएंट जिस पे बहुत से रील्स और वीडियोज़ आपने देखे होंगे, बहुत सी रेसिपीज़ या रेमेडीज़ में यूज़ होता है, जिनमें स्पेशली हेयर ग्रोथ को बूस्ट और प्रमोट करने के लिए इस इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है। तो मैं भी ले रही हूँ यहाँ पर रोज़मेरी लीव्स। आप चाहें तो आपको अगर इजीली अवेलेबल है आप फ्रेश ले सकते हैं, अगर आपको नहीं फ्रेश अवेलेबल तो आजकल बहुत इजीली ड्राइड भी मिल जाते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे ड्राई लीव्स लिए हैं और ये हम इन्फ्यूज़ करेंगे वाटर के साथ, ताकि बहुत अच्छा सा हमारा पावरफुल सा टॉनिक बन सके जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे। 2022 की स्टडीज़ ने साबित किया है कि ये एड करता है इन हेयर ग्रोथ। इट हैज़ सेम इफेक्ट एज मिनोक्सिडिल। 6 वीक के यूज़ से आपके बाल 100% ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ले लूँगी थोड़े से क्लोव्स यानी लौंग, तो ये स्टिमुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को स्कैल्प में। एक छोटा सा टुकड़ा मैं दालचीनी का ले रही हूँ, जो रिड्यूस करते हैं डेंड्रफ को भी। फिर ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है और इसके साथ रिड्यूस करता है जो हेयर लॉस हो रहा होता है। अगर डेंड्रफ है उसको दूर करने के लिए, स्कैल्प को बहुत अच्छे से इचीनेस से रिलीफ देने के लिए, सूथ करने के लिए, मैं यहाँ पर ठंडा ठंडा और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा पुदीना ले रही हूँ। तो मिंट का आप एक हैंडफुल ऑफ मिंट का ले सकते हैं और वो इसमें ऐड कर लेंगे। डंडी के साथ आपने लेना है, अगर चाहें तो आप सिर्फ इसके लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि तोड़ के रखा था तो मैं इसको स्टेम्स के साथ ही यूज़ करूँगी, ताकि ज़्यादा हमें अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकें इसके। और ये बड़ा कूलिंग इफेक्ट भी देगा और आपके हेयर फॉलिकल्स को भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा ग्रोथ देने में। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने, जो पानी हमने गर्म होने रखा था उसमें ऐड कर लेंगे। मैं फ्रेश जो मिंट है वो भी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपके पास ड्राई मिंट है और आप इसमें ड्राई मिंट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके साथ ही अभी ऐड कर लें। मेरे पास क्योंकि फ्रेश मिंट है, और अगर आप भी फ्रेश मिंट यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको बाद में ऐड करें, ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और गुडनेस है वो एवेपोरेट ना हो और अच्छे से उसको इन्फ्यूज़ हम कर सकें। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, ये अच्छे से इन्फ्यूज़ होंगे के साथ और अपने तमाम नेचुरल ऑयल्स को रिलीज करेंगे और इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स हमें, विटामिन्स मिनरल्स मिल जाएंगे इस पानी में। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे सिमर होने देना है आपने और इसको हम एटलीस्ट 15-20 मिनट्स रखेंगे। मैं इसमें स्टेम्स भी ऐड कर रही हूँ जो मिंट के हमने लिए थे और सेपरेट कर लिए थे, ताकि इसके भी अच्छे से हमें फ़ायदे मिल सकें। और ये पकने रख देंगे हम, अगर आप इसको लिड लगा देंगे तो तमाम इसमें जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो वेपोरेट नहीं होंगे और इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स अंदर ही स्टीम होने के बाद भी रह जाएंगे, जिससे हमारा बहुत पावरफुल सा टॉनिक बन जाएगा। वैसे ही पानी का कलर चेंज हो जाए तो 10-15 मिनट्स के बाद आपने फ्रेश मिंट डालना है और उसके बाद आपने 1-2 मिनट मजीद इसको पकने देना और आपने स्टोव ऑफ करके लिड लगा के ही इसको छोड़ देना है, ताकि ये पॉट में अच्छे से और इन्फ्यूज़ हो सके और तमाम इन्ग्रीडियंट्स के इसमें सारे रिलीज, नेचुरल ऑयल्स और गुडनेस हो सके। उसके बाद आपने इसको किसी भी ग्लास जार या ग्लास बॉटल में स्ट्रेन करके फ्रिज में रख लेना है। अगर आपका मेरी तरह हेयर टॉनिक बहुत डार्क कलर का बना है तो नो वरीज, आपने इसको मजीद डाइल्यूट करना है, इसका कलर लाइट होना चाहिए। तो इसमें हम रोज वाटर या सॉफ्ट वाटर मजीद ऐड करके जब भी यूज करेंगे इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो मैंने इसीलिए इसको पावरफुल बनाया है, ताकि मैं मजीद इसको बाद में जब यूज करना है स्प्रे बॉटल में, हाफ मैं ये टॉनिक लूंगी और हाफ मैं लूंगी रोज वाटर के या सॉफ्ट वाटर के, और फिर ही मैं इसको बालों में अप्लाई करूंगी, तो आपको बिल्कुल ईचीनेस नहीं होगी। अगर आप इंग्रेडिएंट्स या रोज मेरी लीव्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं और
वाटर की आप रेशो कम रखते हैं तो आपके स्कैल्प पे इचीनेस हो सकती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। तो हमेशा वाटर की आपने रेशो ज़्यादा रखनी है और इंग्रेडिएंट्स की कम, ताकि आपके स्कैल्प को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद इरिटेट ना करे और जो बेनिफिट्स आप इससे चाहते हैं वो आपको मिले। ट्रे बॉटल में हाफ मैंने ये टॉनिक के ले लिए हैं और हाफ मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लिया और मैं अपने स्कैल्प पे इसको कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल सा हेयर टॉनिक शेयर किया हुआ है जिसमें कोई ऑयल नहीं है, लेकिन वो आपके बाल काले भी करता है, आपके बाल लंबे करने में हेल्प करता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल और ईजी से इन्ग्रीडियंट्स हैं आपके बालों को काला और हेल्दी रखने के लिए। इसमें कोई ऑयल नहीं है तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आप आफ्टर शैम्पू भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई इन्ग्रीडियंट आपको इरीटेट करता है स्कैल्प पे या इचीनेस कर रहा है तो उसको स्किप कर दें, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दें, लेकिन इस हेयर टॉनिक को आपने 1 मंथ के लिए ज़रूर यूज़ करना है। आपका हेयर लॉस रिड्यूस हो जाएगा, इसके साथ जो ब्रॉड हेयर लाइन है वो थिक हो जाएगी, वॉल्यूम ऐड होगा और बाल बहुत आपके 3 गुना तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ये वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये हेयर टॉनिक को ट्राई कर सकें। जाने से पहले चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब विद द बेल। आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।